हमारा देश कोरोना की महामारी से पिछले करीब 1.5 सालों से जूझ रहा है और 1.5 साल से ही स्कूल में शिक्षण कार्य भी बंद है। स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा खामियाजा गरीब परिवार और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। इस दौर में हमने कई गंभीर समस्याओं का सामना किया है, देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि और बुरी हालात में सामने आए हैं। उसके साथ टीकाकरण की शुरुआत हुई, बाद में धीरे धीरे कर स्थितियां सामान्य होने लगी और कोरोना से बचने के सारे नियमों का पालन करते हुए कई कार्य भी अब प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन एक जगह कोई हरकत नजर नहीं आ रहा और वो है विद्यालय। खैर, इस बीच सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन एग्जाम भी लिए गए और विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति भी दी गई, लेकिन यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस सिस्टम से छात्रों का भविष्य अधर में ही लटकता जा रहा है। देश के जाने माने अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानद्रेज के नेतृत्व में एक टीम ने पूरे झारखंड में एक सर्वे करके इस स्थिति को बेहतर तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत किया है और पढ़ाई की स्थिति में बेहतरी के लिए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की ओर से कुछ मांगे रखी है। ज्ञान विज्ञान समिति, ग्राम स्वराज अभियान और नरेगा सहायता केंद्र समेत कई संगठन इसमें सक्रिय रूप से शामिल होकर आंकड़ों को इकट्ठा किया। लातेहार के मनिका में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। स्कूल मतलब ये देश का पहले जगह है, कहा सबका एक बराबर का एक देने के एक पहले कदम स्कूल से शुरू होते है। स्कूल का हम कह सकते ये रिपब्लिक, हम कहते ना ये लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र यहां से शुरू होते हैं। स्कूल बंद करना चाहिए तो मतलब क्या है, लोकतंत्र का बंद कर रहा है। स्कूल खोलो, स्कूल खोलो, किताब खोलो, किताब खोलो, नारा छोड़ो, नारा छोड़ो, स्कूल खोलो, स्कूल